हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाविन लेके आ गया हूँ ओप्पो का F21 प्रो मॉडल, जिसका आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये फोन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें इनको परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर देते हैं इनका अनबॉक्सिंग। ओ वाओ दोस्तों, इनका कलर देख के मेरे मुंह से तो वाओ वाली फीलिंग हो गई। एग्जैक्टली मुझे किसी की याद आ रही है वाओ से। ओह माय गॉड, वाओ, या इसकी याद आ रही थी, क्योंकि ये कलर दोस्तों दिल छू जाने वाला कलर है। जी हाँ, ये दोस्तों एक्चुअली मेरे ओर से ये ऑल ओवर फोन में ना मुझे 3 पॉइंट काफी अच्छे लगे। सबसे पहले पॉइंट बताऊ ना तो वो दोस्तों इसका है डिजाइन। उसके बाद दोस्तों डिजाइन में क्या आता है कि डिजाइन में दोस्तों ये इंडस्ट्री का फर्स्ट यहाँ पे फाइबर ग्लास लेदर डिजाइन दिया हुआ है, जिसका दोस्तों फील ही कुछ अलग है। एंड देन सेकंड पॉइंट मुझे इस फोन में सबसे अच्छा लगता है वो है दोस्तों इसका सोनी IMX709 सेंसिंग सेल्फी कैमरा। जी हाँ, क्योंकि 709 सेल्फी कैमरे से दोस्तों आप काफी अच्छी हद तक कैमरा क्लियरिटी फ्रंट से ले पाओगे और विथ AI पोर्ट्रेट एनहांसमेंट। जी हाँ दोस्तों, और इसका थर्ड पॉइंट तो मेरा एक्चुअल में फेवरेट है और आप सभी का फेवरेट होने लगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे ख्याल से फोन होगा जिसमें माइक्रो लेंस के साथ ऑर्बिट लाइट दी हुई है। यहाँ पे आपको जो राउंड कलर का सेप दिख रहा है ना दोस्तों, ये ऑर्बिट लाइट है। ऑर्बिट लाइट का मतलब क्या होता है आगे मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया है, मुझे काफी हद तक ये अच्छा लगा है। सो ये मोटा मोटा मेरे पास इसमें 3 पॉइंट थे जो मुझे ये फोन परचेस करने को अट्रैक्ट कर रहे थे। सो आप लोग भी दोस्तों देखिए आपको कैसा लगता है, कमेंट सेशन में मुझे जरूर से बताना। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आप नए हो तो हर बार की तरह बोलूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन को तोड़ दीजिए बट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। सो उसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आगे जाते हैं तो डिस्प्ले की बात आती है। डिस्प्ले की बात आती है तो हमें साइज आता है तो बिग साइज यानी कि मोटा डिस्प्ले दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 6.43 का पंचोल FHD AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ विथ 19Hz रिफ्रेश रेट। जी हाँ, तो ये मतलब एक प्राइस सेगमेंट में जो चीज़ें हमें चाहिए वो दे दी है, और डेफिनेटली एप सीरीज है तो यहाँ पे आपको कंप्लेंट नहीं रहेगी। आई थिंक इनोवेशिव ही रहता है इसमें, हर एक चीज़ इनोवेटिव होती है, और ये 3 पार्ट है वो तो काफ़ी अमेजिंग है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट भी मिलता है, ताकि आप अगर Amazon, Netflix या Hotstar पे अगर वीडियोस देखते हो तो वहाँ पे हाई कंटेंट भी आप स्ट्रीम कर पाओगे। उसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसकी बॉडी डिज़ाइन की, तो साइड से दोस्तों ये मतलब पूरा एज फ्लैट एज डिज़ाइन मेटल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मेटल डिज़ाइन होने की वजह से हमें ओप्पो की रेनो सीरीज की याद दिलाता है, क्योंकि रिसेंटली रेनो 6 एंड रेनो 7 प्रो दोनों में दोस्तों ये मेटल डिज़ाइन था, बट अब कंपनी ने एप सीरीज में भी दोस्तों ये लॉन्च कर दिया है, तो इससे हमारा फ़ोन प्रीमियम के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फ्रंट एंड रियर कैमरे में 360 सेंसिंग सेंसर्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आप जो ऑटो ब्राइटनेस लेवल हमारा रहता है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो जाता है। और उसी के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन है, 5th generation का कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन स्क्रैच रेजिस्टेंट तो डेफिनेटली होने वाला है। और दोस्तों बैक यहाँ पे डिज़ाइन की अगेन बात करें तो बैक यहाँ पे आपका फिंगर रेजिस्टेंस रहेगा। जी हाँ, फिंगर एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस ये बैक पैनल दिया हुआ है, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। सो दोस्तों मेन पार्ट था ये फ़ोन का वो था कैमरा, और कैमरे में दोस्तों यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप दिया हुआ है। पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखाई देगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल यहाँ पे आपको डिफ्ट इफेक्ट के लिए पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करने के लिए फोटो कैमरा दिया हुआ है। बट दोस्तों 64 मेगापिक्सल में भी आप लाइक DSLR स्टाइल फोटोज क्लिक कर पाओगे विथ डायनामिक बोके पोर्ट्रेट फोटोज के साथ। और दोस्तों दूसरा जो कैमरा है वो काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि उसमें सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस है, वो भी दोस्तों मैं तो माइक्रो लेंस को बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो इनको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैं तो इनको बता दूंगा कि ये है माइक्रोस्कोप। जी हाँ, आप बोल सकते हो कि मेरे पास माइक्रोस्कोप वाला फोन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, आप किसी भी चीज़ में अंदर घुस सकते हो ये कैमरे की वजह से। आप अपने हाथ से देखोगे तो आपके हाथों के कीटाणु वगैरह आप हर एक चीज़ चेक कर पाओगे, क्योंकि इसमें 30% एक जूम दिया हुआ है विथ माइक्रो लेंस। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ फोटोज वीडियोज लिए हैं जो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे मतलब भाई साहब क्या क्लियरिटी आ रही है, आप देखो खाली इनको।
मतलब कुछ अलग ही यहाँ पे फील आ रहा है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ब्रीथिंग ऑर्बिट लाइट टाइप दिया हुआ है जो ग्रैनो 7 प्रो में था। ब्रीथिंग ऑर्बिट लाइट था जहाँ कैमरा सेटअप के पीछे पूरा लाइट्स होता था, यहाँ पे आपको ऑर्बिट लाइट दी हुई है। ऑर्बिट लाइट का मतलब होता है कि जब भी आपके फोन में अगेन नोटिफिकेशन या कोई भी टाइप का कॉल आता है तो वो आपको नोटिफाई करता है, और जब ये लेंस यूज होता है माइक्रोस्कोप की तरह तब भी ये लाइट्स आपको वहाँ पे मदद करती है इसको अच्छी क्लैरिटी देने के लिए। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 680 का 6 नैनोमीटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर दिया हुआ है। और ये रेंज में दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी अच्छे प्रोसेसर भी दे सकते थे 778 डायमेंसिटी 900, बट दोस्तों दूसरी कोई भी ब्रांड में इतने फ्यूचर ये प्राइस में नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रोसेसर को कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली कर पाएंगे। बट 6 नैनोमीटर इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नैनोमीटर प्रोसेसर, तो दैट्स गुड। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 4500 मिली एम्पेयर का बैटरी बैकअप मिलने वाला है और 33 वॉट सुपर वूक चार्जिंग के साथ, जिसमें आपको 0 to 100% अगर फोन को चार्ज करना है तो ओनली 6.65.5 मिनट में आप चार्ज कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर 0 to आपने 32% चार्ज करना है तो ओनली 15 मिनट्स। तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी। बाकी रैम रोम की बात करें तो 8GB प्लस दोस्तों 5GB का यहाँ पे रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है, और उसी के साथ दोस्तों 128GB का स्टोरेज भी अवेलेबल है। ऑल ओवर दोस्तों मुझे तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे दोस्तों आप कमेंट सेशन में ज़रूर से बताना, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम दोस्तों ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर एक को पता चल जाए कि ये फ़ोन में कौन सी 3 चीज़ बेस्ट है। प्लीज़ दोस्तों डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड See you.